अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आज के इस लाइव सेशन में लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी लाइव सेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुँचते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं, तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को देखा जा रहा है। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो रही हो वो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। तो आज के इस लाइव सेशन में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि एमडीकेट में किस तरह के सवालात आते हैं, तो उन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें पहले आपको चांस देंगे कि आप कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब दें, फिर मैं जो है वो उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसकी एक्सप्लेनेशन से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा सवाल डिस्कस करते जाएंगे, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी होती रहेगी। तो आज के इस लाइव सेशन में आपका जो सबसे पहला सवाल इस वक्त स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ना। देखिए, ये बायोलॉजी का एमसीक्यू नहीं है, ये फिजिक्स का एमसीक्यू नहीं है, केमिस्ट्री का एमसीक्यू नहीं है कि सवाल पढ़ा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया। नहीं, तसल्ली से पढ़ना है। कॉपी और पेन अपने सामने रख लें, कॉपी और पेन अपने सामने रखें, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी पड़ सकेगी। तो पहला सवाल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, एलेक्स इज यंगर देन कैलिब। एलेक्स जो है वो छोटा है कैलिब के मुकाबले में। क्ले इज ओल्डर देन कैलिब, कैलिब इज यंगर देन ब्राइन एंड ब्राइस, हु इज द यंगेस्ट। सवाल आपके सामने है, 5 ऑप्शन है आपके सामने है। ऑप्शन ए एलेक्स, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी ब्राइन, ऑप्शन डी कैलिब एंड ऑप्शन डी क्ले। तो आपके सामने 5 ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो है वो सेलेक्ट करें, फिर मैं इस एमसीक्यू का जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 मिनट आपको दिया जाएगा कोई भी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का सवाल हो, ताकि आप इसको अपनी कॉपी में जो है वो सॉल्व करें और अपनी कॉपी में सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो क्या कर सकें, मालूम कर सकें। आप जो है वो कॉपी में मालूम कर सकें ताकि फिर मैं जब आंसर दूंगा तो इससे आपको अपनी गलती से सीखने का मौका मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में जिस जिससे सॉल्व हो जाए वो जल्दी से आंसर दे दें ताकि फिर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं। तो कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे ए बी सी डी करके वो ऑप्शन लिखते जा रहे हैं। चलें, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एलेक्स इज यंगर देन कैलिब, एलेक्स जो है वो छोटा है किसके मुकाबले में, कैलिब के मुकाबले में। क्ले इज ओल्डर देन कैलिब। अब देखो, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जो है वो कॉपी में अगर लिखता जाऊँ तो थोड़ा मुझे समझाने में आसानी होगी। भाई देखो, सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ, पहले कंपैरिजन रिलेशन है एलेक्स और कैलिब का। एलेक्स छोटा है कैलिब के मुकाबले। फिर कह रहा है क्ले इज ओल्डर देन, क्ले इज ओल्डर देन कैलिब। क्ले जो है वो एलेक्स कैलिब के मुकाबले में क्या है, देखें, क्ले इज ओल्डर देन कैलिब। ओके भाई, तो अगर मैं कैलिब और क्ले के दरमियान अगर कंपैरिजन करूं तो क्ले जो है वो कैलिब से मुकाबले में क्या है, बड़ा है। फिर कह रहा है कैलिब इज यंगर देन ब्राइन, कैलिब जो है वो क्या है, ब्राइन के मुकाबले में क्या है, छोटा है। कैलिब जो है वो ब्राइन के मुकाबले में छोटा है, ये भी लिख दिया। फिर आगे कह रहा है हु इज़ द यंगर, कैलिब इज़ यंगर देन ब्राइन एंड ब्राइस दोनों के मुकाबले में। चलो भाई, ब्राइस और इसके मुकाबले में क्या है, छोटा है। अब हमें बताना हु इज़ द यंगेस्ट, इन सब में जो है वो छोटा, उन सब में छोटा कौन है। अब देखो भाई, ब्राइन और ब्राइस के मुकाबले में कैलिब क्या है, छोटा, ये बड़े हो गए छोटे। हमें सबसे छोटा तलाश करना है ना, इन दोनों को साइड कर लो। अब कैलिब और क्ले की बात करने जा रहे हैं, कैलिब और क्ले में छोटा कौन है, कैलिब जो है वो क्या है, छोटा, कैलिब छोटा हो गया। और एलेक्स जो है वो कैलिब से भी छोटा,
एलेक्स जो है वो क्या है, कैलिब से भी छोटा। देखो ब्राइन और ब्राइस के मुकाबले में कैलिब छोटा था, कैलिब जो था वो क्ले से भी छोटा था, और एलेक्स जो है वो क्या है, कैलिब से भी छोटा है। तो यंगेस्ट कौन है, एलेक्स। इसका आंसर जो है वो क्या है, एलेक्स है। तो जब भी इस किस्म का कंपैरिजन वाला सवाल हो, कॉपी में छोटा सा आप कंपैरिजन कर लो ताकि तलाश करना आपके लिए क्या हो, आसानी हो। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो क्या है, इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, एलेक्स इज द करेक्ट आंसर। हु इज द यंगेस्ट, तो हमारा आंसर है एलेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इफ अंडर रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन द अंडर रूट ऑफ 13, राइट ए अदरवाइज बी। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी एंड ई। आपके सामने सवाल है, कॉपी और पेन निकालें और जल्दी से मुझे आप जवाब देने की कोशिश करें। देखते हैं किसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में सही आता है। जल्दी से जो भी आंसर आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिख दें, जो भी आंसर आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर दें, लिख दें। इफ अंडर रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन 13, राइट ए अदरवाइज बी। तो बच्चों ने अपना अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। अब अंडर रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 13। भाई 12 का रूट जो है कह रहा है कि 12 का अंडर रूट जो है वो 13 के अंडर रूट के मुकाबले में ग्रेटर है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोला अगर ऐसा है तो आप ए लिखेंगे, वरना आप क्या लिख दो, बी लिख दो। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो आप बी लिख दो। यानी इस सवाल में पांच ऑप्शन तो ऐसे ही दिए कि आपको ए और बी में जवाब देना है। तो अंडर रूट ऑफ 12 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 13, 12 का रूट जो है वो अगर 13 के रूट के मुकाबले में ज्यादा है तो राइट लिख ए लिख दो, वरना आप बी लिख दो। तो हमें मालूम है कि भाई ये ग्रेटर नहीं होता, लेस होता है। लिहाजा हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस एमसीक्यू का, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस एमसीक्यू का हमारा आंसर जो होगा वो बी जो है, क्योंकि 12 का जो रूट होता है, अंडर रूट जो होता है वो 13 के मुकाबले में क्या होता है, 13 के मुकाबले में जो होता है वो लेसर होता है, ग्रेटर नहीं होता। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। नंबर आपको दिए गए हैं और आपने बताना है अगला नंबर क्या होगा। पहला नंबर दिया गया 10, दूसरा 13, फिर 18, फिर 25, फिर 34, फिर 45। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर। आपके पास पूरा एक मिनट का टाइम है, जल्दी से पेपर और पेन में आप आंसर तलाश करने की कोशिश करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 58, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 72, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 71, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 70, ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 69। तो आपके पास जो है वो इसके है पांच ऑप्शन, जल्दी से आपके पास इसके हैं पांच ऑप्शन, और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलें भाई जल्दी से अपना अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लें ताकि आइडिया हो कि भाई किसका आंसर करेक्ट आता है। फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा भाई, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या है। चले भाई ए बी सी डी, जल्दी से आपने अपना अपना ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लिया, जल्दी से कॉपी में सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चले भाई बहुत से बच्चों ने अपना कमेंट सेक्शन में जो है वो उम्मीद करते हैं आंसर जो है वो लिखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब देखो भाई पैटर्न कुछ ये है कि पहले जो है 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर में 9 को 8 किया गया, फिर जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर में 9 को 8 किया गया, फिर 3 का स्क्वायर है इसमें 9 8 किया गया, फिर 4 का स्क्वायर 9 प्लस किया गया, फिर 5 का स्क्वायर है इसमें 9 प्लस किया गया, 6 का स्क्वायर है इसमें 9 प्लस किया गया। तो अब अगला नंबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा और 9 प्लस होगा। भाई 1 का स्क्वायर जो है, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 9 कितना हो गया 10, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 में प्लस 9 किया गया कितना हो गया 13, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 के अंदर 9 8 किया गया तो 18 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में अगर 9 8 किया गया तो कितना हो गया 25। इसी तरीके से जो है वो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 9 8 किया गया तो 34 हो गया। इसी तरीके से जो है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 9 8 किया गया तो कितना हो गया 45। तो अगला नंबर क्या होगा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में अगर 9 प्लस किया गया, 49 में अगर 9 प्लस किया गया तो कितना होगा, 49 में अगर 9 प्लस किया गया तो आंसर क्या आएगा
49 में 9 प्लस करो 58, गुड शाबाश। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का क्या हो गया, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, 58 इज द करेक्ट आंसर। देखें भाई इतने आसान नहीं होते, बता रहा हूँ, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो साल भर में हजारों एमसीक्यू की आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। रजिस्टर्ड ग्रुप में आओगे तो हमने लास्ट ईयर वगैरह जितने भी हमने लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करवाए वो तमाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तमाम टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ही जाके फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप प्रैक्टिस करो और आप अच्छी परफॉर्मेंस लाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है इससे भी ज्यादा खतरनाक, व्हाट विल कम नेक्स्ट। आपको यहां दिया गया है कुछ पैटर्न और फिर कहा गया 200, 400, 356, 359, 718, 674, 677 और आपके पास हैं पांच ऑप्शन। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1354, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 1289, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 2789 और डी में कहा जा रहा है 1902, ई में कहा जा रहा है 1234। तो आपके पास जो है वो क्या है, पांच ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पूरा एक मिनट का टाइम लें, कॉपी में जो आप कर सकते हैं लिखें, ये इतना आसान सवाल नहीं है, ये इतना आसान सवाल नहीं है। तो जल्दी से दिमाग लगाएं, देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है, व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से है। जल्दी कॉपी और पेन में आप जल्दी से लिखें, सॉल्व करें, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। बड़े खतरनाक किस्म के सवाल हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल फिर जो है वो और मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। चले भाई एक मिनट आप पूरा कर चुके, अब मैं समझाने जा रहा हूं कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है। ब्रैकेट का मतलब ये है व्हाट विल कम नेक्स्ट, ब्रैकेट का मतलब ये है कि आप जो भी नंबर होगा ना, जो भी पहला नंबर होगा उसको आप क्या करोगे, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा, और दूसरे में से आप 44 माइनस करोगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, और तीसरे में आप प्लस 3 करोगे तो चौथा नंबर आ जाएगा। यही सिक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। मिसाल के तौर पर पहला नंबर था 200, 200 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 400, और 400 में अगर मैं 44 माइनस कर देता हूं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 356, और 356 में अगर मैं प्लस 3 कर देता हूं, 356 में अगर मैं प्लस 3 कर देता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 359। अब आगे यही पैटर्न कंटिन्यू रखना है, 359 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 718 आ रहा है, 718 में अगर मैं 44 माइनस करता हूं तो 674 आ रही है वैल्यू, और 674 में अगर मैं प्लस 3 करता हूं, 674 में अगर मैं प्लस 3 करता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 677। और अगला अब आपने बताना है, अब अगला क्या होगा, वही 2 की मल्टीप्लीकेशन, फिर 44 माइनस होगा, फिर प्लस 3 होगा, तो 677 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अगला नंबर। तो 674 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, भाई सबसे पहले देखो इन दोनों को अगर 677 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या वैल्यू आनी चाहिए, जल्दी से अब तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, 2 की मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे ना, जल्दी से अब तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अब आंसर क्या आना चाहिए। तो अब कमेंट सेक्शन में देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1354 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1354 जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास जो है वो है फिर आपके सामने, इफ 9 इज लेस देन 24 अपॉन 3 राइट ए अदरवाइज बी। हमें कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि 9 जो है वो 24 अपॉन 3 से छोटा नंबर है राइट ए, आप ए लिख दें अदरवाइज बी। यानी इस एमसीक्यू में अगर आप देखें जाएं तो आपको ए या बी में फैसला करना है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ए या बी में आप फैसला करें, ए या बी में आपने जो है वो फैसला करना है कि ए आना चाहिए या बी आना चाहिए। अगर आपको लगता है सही बात है तो ए, अगर आपको लगता है गलत बात है तो बी। तो आपको करेक्ट जो है सही या गलत का बस क्या करना है, इसमें आपने फैसला करना है। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, बहुत से बच्चों ने लिख दिया, तो भाई 24 को 3 से डिवाइड करो तो आंसर 8 आता है। तो 9 बड़ा नंबर होता है या 8,
भाई 9 जो है वो बड़ा नंबर है, इसका मतलब 9 इज ग्रेटर देन 24/3, क्योंकि 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ वैल्यू आती है 8, तो इसका मतलब क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 24/3। तो हम इस बात से एग्री नहीं है, 9 छोटा नहीं है, 9 तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अदरवाइज बी। तो हमारा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, अच्छे से आपने इसको पढ़ना है, मैं सवाल बता रहा हूँ, पूरे एक मिनट का टाइम है आपका इसका करेक्ट जवाब देने के लिए। ऑन वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे की बात हो रही है, द प्राइस ऑफ अ बुके ऑफ फ्लावर कंटेनिंग 12 रोजेस इंक्रीजेस फ्रॉम 500 2000 रुपीस। हमें कहा जा रहा है वैलेंटाइन डे पर क्या हुआ कि एक बुके है जिसके अंदर कितने फ्लावर हैं, एक बुके है उसके अंदर फ्लावर कितने हैं, 12 फ्लावर है, इंक्रीजेस फ्रॉम 500 टू 1000 रुपीज। पहले वो बुके था 500 रुपए का, अब वो बुके कितना हो गया, 1000 रुपए का हो गया। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ अ सिंगल रोज ऑन द वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे पर एक फ्लावर की प्राइस क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 83 रुपीज होगी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 41 रुपीज होगी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 50 रुपीज होगी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 100 रुपीज होगी, और ऑप्शन ई में कहा जा रहा है 50 रुपीज होगी। तो जल्दी से आपके पास पूरा एक मिनट है कॉपी में, आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी जवाब देना चाह रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। जल्दी से ए बी सी डी ई, आपको जो भी लग रहा है कि भाई एक फ्लावर की वैलेंटाइन डे पर क्या प्राइस होगी, एक फ्लावर की वैलेंटाइन डे पर क्या प्राइस होगी, वो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चले भाई, बहुत से बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर यहाँ जो है वो लिखा, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखें भाई, ऑन वैलेंटाइन डे द प्राइस ऑफ अ बुके फ्लावर कंटेनिंग 12, 12 रोज वाला जो बुके है ना, आम दिनों में 500 रुपये का मिलता है, वैलेंटाइन डे में कितना हो गया, 1000 रुपये का हो गया, मतलब 12 फ्लावर जो है वो कितने के हैं, 1000 रुपये के। व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ अ सिंगल रोज ऑन द वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे पर एक फ्लावर की प्राइस क्या होगी, 12 फ्लावर की प्राइस कितनी है, 1000 रुपये की, और एक फ्लावर की प्राइस कितनी होगी, तो इसके लिए क्या करना होगा, 1000 को 12 से डिवाइड कर दो, 1000 को 12 से डिवाइड करो, तो रफ एस्टिमेशन क्या होगा, 1000 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 100 आएगा, लेकिन 1000 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 100 से थोड़ा सा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। तो ये 50 तो बहुत ही छोटे नंबर है, 41 बहुत ही छोटा नंबर है, इसका मतलब 100 के करीब तक नंबर कौन सा है, 83। देखिए, अगर आपके पास कहते हैं ना कैलकुलेटर नहीं भी है तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। मैंने आपके सामने कोई कैलकुलेटर नहीं लिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं की, सिंपल कॉमन लॉजिकल सेंस लगाया कि भाई 1000 को 12 से डिवाइड करो, करीब करीब 83 80 रुपये का तकरीबन एक फ्लावर जो है वो बनना चाहिए, तो करीब तरफ हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा लाइव सेशन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का। तो अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में अगर पार्टिसिपेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो रजिस्टर्ड ग्रुप में इन एमसीक्यू की तादाद सैकड़ों में होती है, और ना सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन सैकड़ों में होती है बल्कि इतने सारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपना टैलेंट चेक करते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में भी आप पार्टिसिपेशन करेंगे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।